नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करते हैं कर्म की, किस प्रकार के कर्म हमें जमा करने चाहिए और किस प्रकार के कर्मों से हमें बचना चाहिए। ईश्वर की दुकान में सबका खाता, ना किसी को कौड़ी कम देता, ना किसी को दमड़ी ज़्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। ईश्वर की दुकान में सबका खाता। ईश्वर जो करता है हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग करता है, हमारे कर्मों पे निर्भर होते हैं। हमारे सब कुछ जो ईश्वर हमें देता है वो हमारे ही कर्म होते हैं। जब हमें लगता है कि नहीं, मैं सामने वाले व्यक्ति को बहुत 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 सुख देती हूँ, लेकिन उसके द्वारा हमें दुख ही क्यों प्राप्त होता है? क्यों? क्योंकि हम वो दुख किसी को और को दे चुके हैं और ईश्वर वो उसके द्वारा हमें वापस कर रहा होता है। तो हमें समझना होगा कि ज़रूरी नहीं है कि जिसे हम सुख दें वही हमें रिटर्न में सुख दे। नहीं, जिसे हमने दुख दिया है वो भी उसके द्वारा हमें दुख दे सकता है जिसे हम सुख दे रहे हैं। तो हमेशा, क्योंकि जो हम बोते हैं वही काटते हैं, ये बात आप सभी को पता है कि जो बोएंगे वही काटेंगे। एक का हजार, क्योंकि जिस प्रकार जब हम गेहूं का एक दाना बोते हैं तो कुछ समय बाद वो हमें हजार दाने के रूप में वापस मिलता है। कर्म का भी बिल्कुल ऐसा ही है। एक अच्छा कर्म, एक बुरे कर्म का फल हमें ईश्वर भी ऐसे ही देता है। एक का हजार, यानी कि एक अच्छा कर्म किया तो हजार अच्छे कर्म, एक बुरा कर्म किया तो हजार बुरा कर्म। ये प्राकृतिक का नियम है, ये परमात्मा का नियम है, ये ईश्वर का नियम है। हमें इसे मानना होगा, जानना होगा, समझना होगा।